मैं कह रहा हूँ उनको किसी चीज वो गीता और रामायण पढ़ के सद्बुद्धि चीज की जरूरत नहीं है। वे तड़की बीजेपी ज्वाइन कर लो, सब खत्म है मामला। वर्ल्ड का सबसे महान व्यक्ति केजरीवाल होगा, वो बीजेपी ज्वाइन कर ले, सबसे महान व्यक्ति होगा बीजेपी का। ये स्टेटमेंट बीजेपी जो करेगी। दूसरी बात, या वो उनसे गठबंधन कर ले या उनके साथ कह देगी अब हम आप कह रहे हैं कि ये जब तक बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे वॉशिंग मशीन में धुल के बाहर आ। सुनो, जिनको नहीं पता या फिर जो इस चीज को नोटिस नहीं कर रहे हैं उनका तो मैं नहीं कहता। आप 2014 से और अब तक का डाटा उठा लो, जो जो स्पेस बीजेपी ने अपनी मेहनत से या अपने दबदबे से या किसी भी तरीके से वो बनाया है और कांग्रेस को साइड किया है, इसने कब्जा किया है उस पर। कांग्रेस खतरनाक बीजेपी के लिए आज की डेट में केजरीवाल हो चुका है, इसको टक्कर दे रहे थे इसलिए उठा लिया गया। क्या बोलेंगे, डर लग रहा था केजरीवाल ज्यादा खतरनाक थे बीजेपी के लिए मोदी जी के लिए। अच्छा, ये खतरनाक यही केजरीवाल है ना जो बयान देता था सोनिया गांधी को ईडी को सीबीआई को अभी अरेस्ट कर लेना चाहिए, बयान देता था ये नहीं देता था। आज किसके गोद में बैठा हुआ है? आज आप लोगों को कहा जाता है, मीडिया को कहा जाता है गोदी मीडिया। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल गोदी राजनीतिज्ञ है, गोदी राजनीतिक। वो जाकर कब किसके गोद में बैठ जाए कोई भरोसा नहीं, ये भी भरोसा नहीं कर सकता हूं जो ये यू टर्न लेकर बीजेपी की गोद में आकर बैठ जाए, इसका भी कोई भरोसा नहीं है इसका। ठीक है, तो ये आज तक कितने यू टर्न लिया, इसका यू टर्न लेने का कोई सिस्टम देखो ना। इलेक्ट्रॉन बॉन्ड आया उसको दबाने के लिए, फिर केजरीवाल पे कार्रवाई हुई है ना। पीएलएम में कानून है जिस पे कोई चर्चा नहीं कर रहा है कि भाई वो ऐसा कानून है क्यों कि वो बीजेपी लेके आई थी, वो बिल्कुल लेके आई है। अमेंडमेंट किया है, वो जो पावर मिली है उस डिपार्टमेंट को, जो पावर मिली है कि वो किसी को भी उठा लेगा और जब तक वो चाहेगा बेल नहीं देगा। अभी आज बेल हुई ना एक आदमी की, उन्हीं की उसे और सामने नहीं आया, कोर्ट में केजरीवाल की भी सुनवाई। हाँ, वो मैं कह रहा हूँ वो उस पर बात होनी जरूरी है। दूसरी बात, रेड्डी है जो इस केस का चश्मदीद, जिससे केस शुरू होता है, अरविंदो फार्मा जिससे शुरू होता है, वो तो आज इनके साथ में प्रचार कर रहा है। अच्छा, है ना, और कहाँ कर रहा है सर? ज्वाइन कर चुका है भाई, ज्वाइन कर चुका है। खबर दिखा दो, चंदा इनके पास आ जाती है। नहीं, चंदा तो ऑन रिकॉर्ड आ गया भाई का, चंदा तो पैसा दे रहा है। क्या बोले, चंदा की बात जब बता रहे हैं तो ये पन्नू है ना बैठा हुआ अमेरिका में, उसने क्या कहा था, 138 करोड़ मैंने अरविंद केजरीवाल को दिया था, उसमें क्या 134 करोड़ अरविंद केजरीवाल को मैंने चंदा में दिया। वो आतंकवादी अगर इस देश की एक राजनीति पार्टी को अगर चंदा में दे रहा है और एक मुख्यमंत्री को दे रहा है तो इससे बड़ा देश की देशद्रोही कोई हो ही नहीं सकता है, मैं बता दूं। तो ये देशद्रोही वाला अगर चंदा किसी को, एक बार मैंने उसका एक वीडियो भी देखा था, ये कौन से रिकॉर्ड में है, ये तो बिल्कुल वही बात है ईडी वाली 20,000 का। पन्नू ने खुद वीडियो पे बयान जारी करके बोला है कि मैंने $16 मिलियन 2014 में। मैं कह रहा हूँ आप चोर है, हो गया नहीं ना, यही तो पंगा चल रहा है। दिल्ली का मुख्यमंत्री है, हमारा मुख्यमंत्री है, हमारा बिहार से सरकार चलेगी, बिहार से सरकार चलेगी, जनता ने चुना है उसको, चलता है सरकार, वो चाहिए बिहार के लिए चुना था। कह रहा हूँ सुरंग में भी घुसा, ये सुरंग में घुसा दे उसको, सरकार चलेगी। ये चाह रहे हैं जैसे छत्तीसगढ़ में किया, बाकी स्टेटों में करा, ये क्या करते है, तोड़ो फोड़ो और अपनी बना लो। चोरी करेगा तो मारा जाएगा, चोरी करेगा तो जेल में जाएगा, उसको जीवन भर का जेल होना चाहिए। जिस दिन केजरीवाल गिरफ्तार हुआ राहुल जी ने स्टेटमेंट दिया था कि डरा हुआ तानाशाह डरा हुआ लोकतंत्र पैदा करना चाहता है। और भैया केजरीवाल भी उस मोदी जी की चुनी हुई ईवीएम से ही चुना गया, जिस ईवीएम को तुम कहते हो कि मोदी जी करते हैं, समझ गए, उसी ईवीएम पे इनके गुरु आडवाणी ने इतनी मोटी किताब लिख रखी, इन्हें पढ़ लेनी चाहिए, पढ़ लिया जाके गुरु। हिमाचल में भी उसी से चुनाव हुए होंगे, पंजाब में भी उसी से हुए होंगे। ये बोल रहे हैं कि चाहे वो सुरंग में चले जाए चाहे उनको छेद में डाल जाए, जो मुख्यमंत्री है वो केजरीवाल ही रहेंगे, सरकार वहीं से चलेगी। मतलब फिल्मी डायलॉग होगा, चितड़े चितड़े हो जाएंगे लेकिन हटेंगे नहीं है। वही दिल्ली में जब जाए ना पीने के बाद गाड़ी तेरा भाई चलाओगा है ना, जेल में चले जाएंगे गाड़ी तेरा भाई, मतलब जितबंदी होगी तो यार संविधान नाम की तो कोई चीज ही नहीं है। लालू जी गए थे जेल में, लालू जी जेल में गए थे, उन्होंने इस्तीफा दिया, कितने लोग हैं, नियम है तो नियम पे चलना पड़ेगा। क्या बोलेंगे, ये जेल में
चाहे एक जेल में चले जाए, सुरंग में चले जाए या तिहाड़ में बैठ जाए, मुख्यमंत्री केजरीवाल ही रहेंगे, उनको जनता ने चुना है। देखिए इनके लिए रहेगा, लेकिन यहाँ पूरी जनता से पूछ लीजिए, इनके अलावा अगर पूरी जनता अगर सुरंग में जाए तो ऐसी मुख्यमंत्री तुम लोग स्वीकार करोगे, हाँ या ना? नहीं, कोई नहीं। समझ रहे? अब समझ रहे? तो सुरंग में जाकर बैठ जाए तो जाकर बैठ जाना चाहिए, आज तिहाड़ में बैठा हुआ है, कल सुरंग में जाकर बैठ जाए, लेकिन मुझे ऐसा मुख्यमंत्री नहीं चाहिए, ऐसा नहीं चाहिए। शुद्धि करे, उपवास करे, सुरंग में जाए, साधना करे। महाभारत मांग लिया उन्होंने, रामायण गीता महाभारत मांग। देखिए अगर पहले पढ़ लेते तो ऐसी स्थिति नहीं आती है ना, जेल में पढ़ना। आप पढ़ ले, अच्छी बात है, मैं तो कह रहा हूँ पढ़ करके मर्यादा मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की मर्यादा पढ़े, सुदर्शन चक्रधारी का जो है ना वो नीतियाँ पढ़े, पढ़ करके आए, बुद्धि प्राप्त करें। जो कहा, देखो हमारे कहावत है बैल कांत का और मर्द जुबान का, अगर ना हो तो फिर वो होने के ना होने बराबर है। मैं केजरीवाल को इसलिए कह रहा हूँ कि वे सरकार चलाए, जिस भाई के बहम हो गात में या दिमाग में, चल के मेरी कॉलोनी में देखे, वो जेल गए हुए दिन को और आज को भी, अभी भी सड़क कंटिन्यू बन रही है, वे पाइप गिर रहे हैं हमारी कॉलोनी में, हम क्यों ना उसको सपोर्ट करें, वो बिजली पानी गैस की पाइप लाइन। तो शराब घोटाला है, मुद्दा शराब घोटाला है। अच्छा, घोटाले तो नेता रोज कर रहे, घोटाले साफ क्यों नहीं है, दिल्ली का पानी साफ क्यों नहीं है, पानी साफ, पानी तो जवानों के, शराब घोटाला नहीं हुआ आपके साथ, शराब घोटाला नहीं हुआ, ये तो ईडी वाले बता दे, वो कार्रवाई चल रही है ना, जांच चल रही है, वो कागज ले आओगे, जेल में जा चुका है अगला। केजरीवाल चोर है, केजरीवाल चोर है। सुनिए मैं कह रहा हूँ, अच्छा चलो ये बात तो सिद्ध नहीं हुई, उन्होंने 31 से 21 साल की नहीं उम्र दारू पीने की, करी की नहीं, बताओ भाई साहब 31 से 21 साल करी की नहीं दारू पीने की उम्र केजरीवाल जी ने? सुनो, बी बच्चों कसम खाई थी कि नहीं खाई थी, है ना, बड़ा हम सरकारी घंटी लेंगे, कहा था कि नहीं कहा था, जो लिया बोल रहे हैं कि केजरीवाल तिहाड़ चले जाए, सुरंग में चले जाए, पर मुख्यमंत्री केजरीवाल ही चलेंगे, दिल्ली की राजधानी, देश की राजधानी केजरीवाल ही चढ़ाएंगे। ये वही है उनमें से जो फ्री पिला पिला के सबको मार दिए, ये उन्हीं में से है फ्री पिला पिला के, ये उन्हीं को सपोर्ट करेंगे, जो आज कुछ बचे हुए लोग है ना वो भी साफ हो जाए बेचारे, ये वो भी साफ हो जाए बचे हुए, ये उन्हीं का, आप उन्हीं के हैं, ये ठेके खुलवाने वालों में से लोग हैं, ना कि ठेके कम करवाने वालों में से लोग हैं, ये लोगों के जान से खेलने वालों में से लोग हैं, अब नहीं चलेगा, ये साफ है केजरीवाल, बिल्कुल साफ है, देख लेंगे इनके वालों का टेंडर कैंसिल करके ठेके इनसे छीन के अपने वालों को दे दिए, असली बात नहीं बता रहा भाई। अब ये एक चीज बताऊं, इनके वालों से पंजाब नहीं संभला जा, पंजाब किस मुद्दे पे जीते कि पंजाब को खालिस्तान बनाएंगे, ये देश को बटवाएंगे, ऐसे देशद्रोहियों को देश में बिल्कुल नहीं लाना है, बिल्कुल साफ कर देना है। और एक चीज और बताए, क्या बोलेंगे एक मिनट भाई साहब, मेरा एक शराबी दोस्त है, वो शराबी दोस्त वो कह रहा था जो ये अरविंद केजरीवाल मेरे लिए तो भगवान था, जो भगवान को जेल में डाल दिया, वो कैसे तो कह रहा था जो दारू पे दारू फ्री कर दिया, पानी फ्री कर दिया, कुछ दिन और रह जाता तो चखना फ्री हो जाता है, ठीक है, ये इसलिए उसके लिए तो भाई साहब को भी शायद फ्री मिल रहा होगा, तो दुख हो रहा है उन लोगों, जितने हिंदू करो दिल्ली के जितने शराबी है उससे दुख हो रहा है, जो अरविंद केजरीवाल आज जेल में बैठा हुआ है, जो शराबी नहीं है, जो एकदम निष्पक्ष है, जो स्वतंत्र है, जो शराबी देशभक्त है, वो उन लोगों को दुख नहीं है, उन लोगों को खुशी की लहरें है, जो जेल में चला गया शराबी, शराब माफिया जेल में है, उन सबको खुशी मिल रही है। अच्छा, संजय सिंह बाहर आ गए हैं, बोल रहे जैसे संजय सिंह बाहर है कल केजरीवाल भी बाहर आएंगे, हाईकोर्ट के फैसले, जमानत मिला है जेल, वो उसे रिहाई नहीं मिला है, उसे जमानत मिला है, तो जमानत पे बाहर आया संजय सिंह, अभी भी उसके ऊपर केस चलेगा और कोर्ट में जाकर उसे पेशी होना पड़ेगा, तो उसे जमानत मिला है, वो बड़ी नहीं हुआ है अभी भी। कल क्या लगता है कोर्ट में ना, फिर चले जाओ बिहार एक परिवार की पार्टी, चले जाओ उत्तर प्रदेश एक परिवार की पार्टी, चले जाओ महाराष्ट्र एक परिवार की पार्टी, ये कहने आए हो, ठीक है ना। और सुनिए भाई साहब कह रहे थे
अभी भी कहना विकास सुनिए, ये चांदनी चौक है ना, ये पहले भी चमकता था, अभी भी सुनो, चांदनी चौक के बाहर इधर ले चलता हूँ आपको, सड़कें भाई साहब टूटी पड़ी है, बुरी हालत है, पीछे दिखाता हूँ, एक सड़क पीछे की सड़क है जो पुरानी दिल्ली से होके आती है, उस पर लिखा गया हमारे पार्टी के आहरनी सो करके साहब विधायक जी सड़क बनवा रहे, आज तक सड़क नहीं बनी भाई साहब, दिखा देता हूँ आपको पीछे, चलिए चांदनी चौक, लंदन बनाने के जो ख्वाब दिखाए गए, लंदन जोन इन्होंने तो लंदन टॉप भी नहीं बनाया।